ना अनुमति ना परमिशन, टीन सेट खड़ा किया और शुरू कर दिया निर्माण। नीमच में दाना गली कॉर्नर पर इसी तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बिना अनुमति के बेसमेंट बनाया जा रहा है और बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। नगर पालिका की हालत यह है कि इंजीनियर आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। जब मामले में एक शिकायत हुई तो अब नगर पालिका ने नोटिस भेजा है। न अनुमति न परमिशन, टीन सेट लगाए और निर्माण कार्य शुरू कर दे। नक्शा हो या ना हो, अनुमति हो या ना हो, अपना काम तो चल रहा है। नीमच में कुछ अवैध निर्माण इसी तर्ज पर हो रहे हैं। उन्हें ना तो किसी नक्शे की जरूरत पड़ती है, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एनओसी की जरूरत पड़ती है और ना ही नगर पालिका से अनुमति की। जी हाँ, नीमच में इस तरह के अवैध निर्माण पहले एमओएस का उल्लंघन करके बिल्डिंगें तान लेते हैं, उसके बाद फिर नगर पालिका के अधिकारियों की नींद जागती है। नीमच के दाना गली कॉर्नर पर इसी तरह का निर्माण नीमच के प्रसिद्ध सराफा व्यापारी नंदू सराफ द्वारा किया जा रहा है। चारों तरफ से टीन सेट लगाकर अंदर बेसमेंट की खुदाई की जा रही है, जबकि बताया जाता है कि बेसमेंट की कोई अनुमति नहीं है। यह अवैध निर्माण लंबे समय से चल रहा है और नगर पालिका के इंजीनियर आग बंद करके बैठे हुए है। नीमच में कलेक्टर का प्रशासन है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखों में धूल झोंक कर इस तरह का अवैध निर्माण लगातार चल रहा है। दिवाली से पहले यह निर्माण शुरू हुआ और अंदर करीब 20 फीट से ज्यादा गहरी खुदाई कर दी गई है, जिससे वहां पार्किंग की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर नगर पालिका ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। यदि अगर परमिशन है, बेसमेंट की अनुमति है, तो फिर काम खुलेआम होना चाहिए। टीन सेट लगाकर चोरी चुपके काम क्यों किया जा रहा है? इस मामले में नीमच नगर पालिका के अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वे दबी जमा से कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। दाना गली कॉर्नर पर यह अवैध निर्माण नंद कुमार सराफ और संतोष भाई जैन द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में नगर पालिका में कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। करीब 20 फीट ऊंचे टीन सेट के सहारे अंदर खुदाई का काम चल रहा है। इस संबंध में नगर पालिका के इंजीनियर रवीश कादरी कहते हैं कि हमने पंचनामा बना लिया है और काम रोकने के आदेश दिए हैं। जब तक बेसमेंट की अनुमति नहीं ली जाती है और एमओएस का पालन नहीं किया जाता है, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।